कि नई सुबह नई शुरुआत, फिर नया ब्लॉग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँगा कि सब ठीक होंगे। फिर आपका भाई, आपका दोस्त हाजिर हाजिर नए ब्लॉग के साथ। तो आपको मैं आज बताने वाला था कि आपको कुशागंज रेलवे स्टेशन का अपडेट मिलेगा, तो ठीक है। तो आप देख सकते हैं, वो रहा सामने गोसाईगंज रेलवे स्टेशन। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखा। गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं कि टिकट घर कहाँ कैसे बन रहा, कैसे नहीं बन रहा है। और सामने देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 का जो निर्माण हो रहा है। और सामने हम चलते हैं धीरे धीरे और आपको दिखाते हैं कि प्रतीक्षालय कुछ नए तरीके से बनेगा और जहाँ टिकट घर है वो भी कुछ नए तरीके से बनेगा। तो आप इलेक्ट्रीशियन का काम देख लीजिए कि कितना चला है कितना नहीं। और पूरा स्टेशन क्रियाकलाप बहुत जल्द, कुछ समय लगेगा लेकिन बदल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, सीधे वहीं मिलते हैं। जो ये निर्माण चल रहा है सामने, ये प्रतीक्षालय और टिकट घर के लिए चल रहा है कुछ नए तरीके से। और जो देखिए ये सामने जो गोसाईगंज लिखा है, पहले यहाँ टिकट सबको मिलता था लेकिन अब टिकट और प्रतीक्षालय यहाँ रहेगा और सबको कुछ अच्छे तरह। चलो सामने दिखाते हैं कुछ अच्छी तरह आप लोगों को। वीडियो पर बने रहिए चैनल पर। तो आप देखिए सामने यहाँ पर, ये यहाँ पर टिकट घर और प्रतीक्षालय का क्रियाकलाप कुछ चेंज होगा। और ये 25 करोड़ की लागत से इसका क्रियाकलाप पूरा गोसाईगंज स्टेशन में, देखिए गोसाईगंज स्टेशन और पूरा कंप्लीट होगा। तो देखिए काम चल रहा है, काम प्रगति पर है। तो कई लोगों का डिमांड था वीडियो लेने के लिए, तो ठीक है आप लोगों को वीडियो मिल गई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप ही लोग मेहनत करते हैं इतना। हमारे यहाँ एक चीज़ अच्छा लगा, देखिए ये सामने एक पुल बन रहा है प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, और दूसरा देखिए एक प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, और तीसरा ये देखिए ये बाहर वो एक पुल का बगल दिख रहा है बाहर जाने के लिए। और एक चीज़ ज़्यादा आज खास मज़ा ये आ रहा है, और देखिए पीछे जहाँ पूरा सामान आता जाता रहता है, पूरा काम यहीं पूरा सामान आता जाता रहता है, यहीं सब पूरा मैनेज होता है कैसे क्या आगे करना है क्या आगे नहीं करना है। और एक चीज़ ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आज क्रॉसिंग बहुत हो रही है ट्रेन की। इंदौर राजेंद्र नगर स्पेशल एक्सप्रेस इंदौर। देखिए ये कुछ पुराने जो खंडहर भवन हैं, अब इससे तब्दील होकर नए किए जा रहे हैं। जो इसमें सरकारी जॉब करेंगे, जिसके लिए जो ग्रुप डी वाले होते हैं जैसे, तो उनके लिए बनाया जा रहा है। और स्टेशन का दूसरा छोर क्रॉसिंग हरदम चलती रहती है। पूरा एक बार घुमा दे रहा हूँ कैमरा, देख लीजिए किस तरह हमारे गोसाईगंज रेलवे स्टेशन क्रियाकलाप होने वाला है। तो बहुत जल्द 25 करोड़ की लागत से इसको पूरा चमका दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो चलिए इसी के साथ विदाई लेते हैं। तो जहाँ तक मुझे अच्छा मुझे पता होगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और टिकट घर का जो बात है, तो आपने देखा कि टिकट घर बढ़ेगा और प्रतीक्षालय भी बढ़ेगा। 25 करोड़ की लागत से इसका क्रियाकलाप को पूरा बदल दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखना, परिवार ख्याल रखिए, ऐसे भाई के साथ अपडेट लेते रहिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।